on the basis of information given in the statement you have to assume everything true and then decide which of the suggested course of action logically follow for pursuing give answer statement is there is an unprecedented increase in the production of wheat this kharif season in most part of the country now second course of action first course of action is द गवर्नमेंट शुड इमिडिएटली लोअर डाउन द प्रोक्यूरमेंट प्राइसेज ऑफ द वीट सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन दुड बी आस्ट टू स्टोर एक्सेस प्रोड्यूस विद्स टू बी यूज फॉर फ्यूचर नाउ थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन द गवर्नमेंट शुड मेक इट्स बेस्ट एफर्ट टू एक्सपोर्ट वीट टू ऑगमेंट इट्स प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट नाउ फोर ऑप्शन तो यहाँ पे देखिये प्रॉब्लम क्या है सो यहाँ पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन होगा जो इस प्रॉब्लम को या तो मिनिमाइज करेगा या फिर खत्म कर देगा तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है देर इज एन इंक्रीज देयर इज देयर इज एन इंक्रीज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट प्रोडक्शन ऑफ वीट बहुत ही ज्यादा जो है प्रोडक्शन ऑफ वीट हो गया ये हो गया आपके पास इशू ठीक है देन नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट शुड गवर्नमेंट शुड लोअर डाउन गवर्नमेंट शुड लोअर डाउन लोअर डाउन प्रोक्योरमेंट प्राइस तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ये क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ वीट प्राइस ऑफ वीट देखिए इससे क्या होगा जब यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही कम हो जाएगा तो क्या होगा किसानों को सस्ते में बेचना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई नहीं तो फायदा होना चाहिए ठीक होना चाहिए था ठीक है तो यहाँ पे तो फायदा होना चाहिए तो, तो फायदा तो होगा नहीं इससे तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये फॉलो नहीं करेगा तो ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका रॉन्ग हो गया देन नेक्स्ट कहता है कोर्स ऑफ एक्शन किसान बेचेंगे ही नहीं ऐसे में नेक्स्ट ये है फार्मर शुड फार्मर्स आर एडवाइज फार्मर शुड बी स्टोर शुड बी शुड बीड बी आज टू स्टोर बोला जाए की वो क्या करे आज टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज टू स्टोर टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज फॉर फ्यूचर यूज जो आपके पास एक्सेस है उसे क्या कीजिए आप स्टोर कर लीजिए तो क्या ये फिजिबल है और कोई भी किसान किस लिए उगाता है ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया देन थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट क्या करे उसे उससे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दे तो गवर्नमेंट क्या करे गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड मेक गवर्नमेंट शुड मेक इट्स बेस्ट एफर्ट शुड मेक इट्स बेस्ट एफर्ट बेस्ट एफर्ट टू एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट इसे क्या करे एक्सपोर्ट कर दे तो एक्सपोर्ट जब कर देगा तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन गेहूं की पहचान हो जाएगी एन जो किसान है उनको प्रॉफिट हो जाएगा तो इसीलिए उन्होंने ये ज्यादा से ज्यादा गेहूं क्यों उगाते हैं ताकि उन्हें फायदा हो जाए तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा तो ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये हमारी एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है इसको मिनिमाइज भी करेगा और सॉल्व भी करेगा तो आंसर होना चाहिए था यहाँ पर ओनली थर्ड फॉलोज आंसर होना चाहिए था ऑनली ऑनली थॉर्ड फॉलोज आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नान ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर